सो गाइज आप लोग ने देखा होगा विजय सर ने अभी एक नई फोटो पोस्ट करी है, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। सो गाइज मैं आप लोग इस टाइप की फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, वो भी इजी स्टेप में। एंड गाइज उससे पहले गाइज मैं आप लोग से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि गाइज देखो दो तीन दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। गाइज मेरे गाँव में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जिसके कारण लाइट नहीं आ रही थी, तो मेरा फ़ोन स्विच ऑफ रहा है दो तीन दिन, ना ही मैं कहीं से फ़ोन चार्ज कर पा रहा था। बट गाइज मैंने मतलब दो तीन दिन ना ही कुछ खाना वाना भी अच्छे से खाया था क्योंकि मेरा फ़ोन स्विच ऑफ पड़ा था, वीडियो नहीं डाल पा रहा था, बहुत बेकार लग रहा था। बट गाइस फाइनली अब लाइट आ गई है जिसके कारण मैं अब अच्छी अच्छी वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करता रहूँगा। एंड गाइस माफ़ कर देना, ठीक है, हो जाती है प्रॉब्लम कभी कभी। आप लोग ऐसा मत समझा करो कि वीडियो नहीं आ रही तो इसका मतलब कुछ छोड़ दिए नहीं यूट्यूब, बस ऐसा कभी नहीं होगा। कुछ प्रॉब्लम हो जाती है जिसके कारण वीडियो नहीं ला पाता हूँ। एंड गाइस इसी खुशी में गाइस मेरे हो गए हैं 2K सब्सक्राइब, तो मैं आप लोग को थैंक्स बोलना चाहता हूँ। एंड गाइस मैं सोच रहा हूँ कि लाइव आ जाऊँ क्योंकि 2K सब्सक्राइब हो चुके, तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं लाइव कब आ जाऊँ। तो चलिए अब फटाक से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग ने अभी तक का मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लेना, एंड सब्सक्राइब के साथ साथ भाई बेल आइकन भी ऑल कर लेना। तो चलिए अब फटाक से वीडियो की तरफ। ओके सो आप लोग को पिक्सआर्ट एप्लीकेशन में इस बैकग्राउंड को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आप लोग को बैकग्राउंड को रिसाइज कर लेना है। एंड गाइस आप लोग को बैकग्राउंड PNG के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। गाइस आप लोग को ऐड फोटो पर जाकर क्या करना, एक तो PNG को ले आना, अभी मैं आप लोग को बता देता हूँ। गाइस आप लोग को इस PNG को ले आना है, इस PNG को आप लोग को फुल ऐसे बैकग्राउंड पे एडजस्ट कर देना है, ठीक है। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से डन कर लेना है। डन करने के बाद सिंपली आप लोग को क्या करना है, गाइस आप लोग को सिंपली यहाँ से जाना ऐड फोटो पे, देन गाइस आप लोग को बिंग्स का फोटो ले आना, मतलब PNG ले आना समझ सकते हो। सिंपली आप लोग को बड़ा करके ऐसे एडजस्ट कर देना। गाइस देख सकते हैं बैकग्राउंड हमारा हो गया है रेडी। एंड गाइस आप लोग को क्या करना है अभी बता देता हूँ। गाइस सिंपली आप लोग को जाना ऐड फोटो पे, देन आप लोग को अपने मॉडल को ले आना है। एंड गाइस आप लोग को फोटो कैसे क्लिक कराना आप लोग देख सकते हैं, पोज भाई बहुत ज़्यादा सिंपल है। एंड गाइस आप लोग को बस इतना आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग के पास अगर ब्लैक ड्रेस है तो भाई प्लीज पहन लेना, कोट वगैरह है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं भी है तो आप लोग ब्लैक पैंट टी शर्ट, पैंट तो जरूर पहन लीजिएगा एंड टी शर्ट मैचिंग कर लीजिएगा, बहुत ही बढ़िया लगेगा। गाइस सिंपली फ़ोटो को इस टाइप से एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आप लोग को यहाँ से जाना है इरेज टूल्स पे, हार्डनेस फुल, एंड आप लोग को साइज थोड़ा सा कम करना है। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से कर देना है यहाँ तक का इरेज, ठीक है, यहाँ तक का आप लोग को इरेज कर देना है। एंड गाइस सिंपल आप लोग को क्या करना है, ईजी मतलब सिंपल गाइस आप लोग को यहाँ पे जाना, एंड यहाँ से लेके यहाँ तक का भी आप लोग को कर देना इरेज, तो ऐसा लगेगा जैसे कि रेत है ना जो वहाँ पे हमारे पैर फंसे हैं, मतलब रेगिस्तान का शायद बैकग्राउंड लग रहा है। एंड गाइस आप लोग को फोटो के इस टाइप से एडजस्ट कर देना। तो गाइस पिक्सआर्ट का जितना काम है अपन ने कर लिया, तो अपन क्या करते हैं ड्रॉ टूल्स पर जाके फोटो को करते हैं सेव, एंड सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं लाइट रूम एप्लीकेशन पर। ओके सो गाइस अपन आ चुके हैं लाइट रूम एप्लीकेशन में, अपन को क्या करना गाइस यहाँ से जाना, एक मिनट थोड़ा सा फ़ोन प्रॉब्लम कर रहा था मेरा, कुछ हो रहा था। गाइस आप लोग को लाइट एडजस्टमेंट में जाना, आप लोग को कंट्रास्ट को कम कर दें, देन गाइस आप लोग को हाईलाइट को कम करना है, एंड शैडो को भी कम, एंड गाइस वाइट को भी कम करना आप लोग को थोड़ा सा, एंड ब्लैक को इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइस आप लोग को इस वाले आइकन पर चला जाना, आप लोग को ब्राइटनेस को देना, एंड सैचुरेशन को आप लोग को करना माइनस। एंड गाइस आप लोग को मिक्स कलर पर जाना है, सैचुरेशन को इंक्रीज करना है, एंड अगले कलर पर जाकर सैचुरेशन को आप लोग को माइनस करना है, आप लोग को ल्यूमिनेंस को करना है वाइट, मतलब इंक्रीज करना वाइट, मतलब फेस वाइट हो जाएगा। एंड गाइस जो भी कलर है आप लोग थोड़ा थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, थोड़ा थोड़ा एकदम करिएगा। एंड गाइस आप लोग को यहाँ से करना है डन। डन करने के बाद देखो, डन करने के बाद गाइस आप लोग को अगर और भी एडजस्टमेंट करना तो आप लोग कर सकते, बट मैं और कुछ नहीं करता हूँ, फोटो को करता हूँ सेव। ओके सो गाइस आप लोग देख सकते हैं हमारी फोटो सेव हो चुकी है। एंड गाइस मैंने आप लोग को सेम टू सेम पेजेस हर जैसा एडिट करना सिखा दिया। तो गाइस आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, मेरे चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो चलिए जब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।